हाँ हाँ नहीं 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 ठंडा हो जाएगा गर्म हो जाएगा वैसे ही ठंडा करके अब कट पीस आइए नहीं थोड़ी देर से वापस ले आना नहीं हम में क्षमता होगी तो आ जाएगा जी आइए एक कटपीस दे रही हूँ कौन सा बेटा चंदमान जी विश्वास मानिए कई गीत ऐसे हैं हर कलाकार के पास होते हैं कि अगर उस तरह से गीत गा दिए जाए तो सामने वाला कलाकार आ नहीं कर सकता है बिल्कुल आ नहीं कर सकता है लेकिन लेकिन सिर्फ हम सुनाएंगे आप सुनेंगे आप सुनाएंगे हम सुनाएंगे लोग निकलेंगे और क्या क्या फायदा तो इनके लिए गाइए कैसे कटके सोने चाहिए सुनिए फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या अरे दिल है के मानता नहीं इस दिल पे किसका जोर है धन्यवाद है सुनेगा जरा सुनिए कि बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते आगे चलो बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते समेट लो हाथों से ये फिसलता जरूर है ये वक्त है साहब बदलता जरूर है तुम्हारा हमें
कुछ जगह रखिए। बुरे समान कभी पूछ कर नहीं सपना कुंवारी आख्या परिवार कमेटी मऊ से 101 पद मुद्राएं हैं। जोरदार ताली हो जाए परिवार कमेटी के, धन्यवाद बहुत हो जाए। सुनेगा सुने कि राजा हरिश्चंद्र को भी गलियों में भटकते देखा है। नारी सन्मुख दशरथ को सर भटकते देखा है। चक्रवर्ती सम्राट ओके कह के आगे सर पटक रहे हैं। इतना ही नहीं, पांच पति की पत्नी का, पांच पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है। पांच पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है। क्योंकि हमारे देश में तमाम पीरों ने कुर्बानियां दी है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद अगर वीर हैं तो वीरांगनाएं भी पीछे नहीं रही। अरे बुंदेलो हर बोलो के मोए हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे मेरे भारत के पानी को देख, देख मेरे भारत के पानी को देख, पानी की बहती उस रवानी को देख। अरे मुन्नी और शीला की जवानी तो है वे शर्मी की हद। अगर जवानी देखनी है तो झांसी वाली रानी की देख। देश के खातिर भगत सिंह फांसी को लटकते देखा है। क्योंकि समय से कोई जीत सकाना समय से हारे देखा। अरे प्राण बचा कर भस्मा के भय से भगते देखे अभिराम। और
कल्पना यू ही सजोती रहेगी, माँ ज्वाला की जलती हुई ज्योति रहेगी। नापाक गद्दारों अब तो शर्म करो, क्योंकि भारत माता की जय होती थी, होती है और होती रहेगी। ये 500 का आ रहा तुम्हारी। बदतमीज था माने कृष्ण और शिशुपाल का प्रसंग बहुत ही अच्छा रहा और कथानक समझ में तो आना ही चाहिए। मैं तो उस समय अपना ऐसे सुना रहा था हंसाने के लिए, पक्ष और विपक्ष नहीं था, क्योंकि कथानक में भिन्नता आती है तो पब्लिक में ऑडियंस में छिन्नता और खिन्नता आ जाती। तो कृष्ण और शिशुपाल का भी अंतरा एक अंतरे का था, बड़ा ज्ञानवर्धन था, शास्त्र से सम्मिलित था। सवालिया जवाब गजब के रोग धरा दिया लू, उस पर भी तीन नारियों का वर्णन आया। एक अहिल्या जन्मी है, वो भी खेती करते समय ब्रह्मा ने खेती किया। सुंदर नारी सीता जी जन्मी, तो सीता का नाम भी सीता इसलिए पड़ा कि हल के आगे वाले हिस्से को जो नोक होता है उसको सीत कहते हैं, और सीत जब जमीन से टकराई घड़े से तो उसमें कन्या मिली और वही कन्या सीता कहलाई। सीत से जन्मने कारण हम सबको अपना शास्त्र भी जानना चाहिए। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बातें होती है। और पद्मावती की भी बात आई, बहुत अच्छा प्रसंग रहा। मैं लेखनी के लिए महाराज जी को, पंकज महाराज जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही सुंदर, इनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। और फिर इस पर सर से सीढ़ी तैयार की, सर मतलब बाण होता है, ये सर नहीं, सीढ़ी तैयार की। जब ऐरावत को धरती से लाते समय फिर उनको अहंकार हो गया तो सर से सेतु तैयार किए, तो हनुमान जी ने अहंकार तैयार छोड़ा है, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है कि लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता ते प्रभु दूर। तो छोटा होने पर ही प्रभु बसते हैं, जब अहंकार आ जाता है तो एक मयान में दो तलवार नहीं रहता, ये सब भी हम लोग जानते हैं। सर से सैया तैयार किए भीष्म पितामह के लिए, सुरसरी को पैदा किए। जब भीष्म पितामह का डिमांड हुआ कि हमें पानी पीना है तो सुरसरी गंगा बही, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को मारने के चलते गंगा ने एक बाण दिया था इनके गंधर्व पुत्र बबरू बाहन को, और बबरू बाहन ने महाभारत के बाद अर्जुन का वध कर दिया था। यह भी है कि उनका सर काट दिया था। तो समय समय के सब महाकाल महाबली हुए हैं, और इनका भी घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण ने वही किया कि कृष्ण ने ये गोपी ले, इनके हाथ से गोपी को छीन लेगा भील। तो समय जब विपरीत होता है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन टू सी वंस वर्क इज डन, कंपनी ऑफ ऑल इट्स सन्स इन फास्टर देन विंड इट रन्स। कहते हैं कि सूर्य को भी ज्वारभाट ग्रहण लगता है, चंद्र को ग्रहण लगता है, समुद्र को ज्वारभाटा लगता है, तो हम और आप तो छोटे मनुष्य हैं। सुख और दुख हमारे इससे भी आता है, हर चीज को झेलना चाहिए। और बहुत ही अच्छा कटपिस में दिल है कि मानता नहीं, इसमें बुरे वक्त की बात बताई गई। हाँ, मैं ये कहूंगा कि हरिश्चंद्र का बुरा वक्त जरूर आया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र को बुरे वक्त ने ही बनाया, क्योंकि बुरे वक्त पे वो बनारस में जाके बिकते हैं, उसमें परिस्थितियों में भी टिकते हैं, अपने बेटे को भी जलाने के लिए कर लेते हैं, और यही चीज तो उनको अमर कर जाता है कि सत्य टरे तो टरे लेकिन हरिश्चंद्र कबहू न टरे, हरिश्चंद्र कबहू न टरे। और तभी उसी कुल में जन्मे हुए राम के लिए कहा गया, क्या कहा गया ये सभी हम लोग जानते हैं, कि राम के लिए कहा गया कि जो वचन हम दे देते हैं स्कूल के लोग, वो वचन से हम कभी टलते नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघु, रघु इस खानदान में थे, ये रघु नहीं, ये रघुपति हैं, लेकिन रघु दिलीप अज और कितने 52वां में जन्म लिए थे राम जी। और बहुत अच्छी बात है कि हरिश्चंद्र को, और फिर उसके बाद भस्मासुर को जानते हुए भगवान को, इसलिए तो शंकर भगवान को भोला कहा जाता है कि कोई पार्वती की भी इच्छा रखता है उसको भी वरदान दे देते हैं, कोई उनको खुद मारने की इच्छा रखता है उसको भी वरदान दे देते हैं, जानते हुए। और फिर विष्णु जी को आना पड़ता है रूप बदलकर, कभी मोहिनी कभी वगैरह वगैरह। और ठीक है, राज तिलक में वनवास जाना था, उसमें भी 14 वर्ष का एक कथा आता है कि तारिका को मारते समय दशरथ को पानी पिलाया था सुंदरी का रूप धारण करके, और फिर उसके बाद राक्षस का रूप धारण कर ली। 14 वर्ष का राज्य मांगा था, तो सुंदरी थी तो उन्होंने कह दिया कि 14 वर्ष का राज्य दूंगा, लेकिन जब राक्षस की रूप धारण की तो बोला भैया एक दिन में भी खा जाएगी सभी को, तो फिर चले गए। फिर राम ने जब मारा तो बोला तुम कौन हो मारने वाले, बोला मैं दशरथ पुत्र राम हूं। कौन से पुत्र? दशरथ। तो अयोध्या के
तो फिर उन्होंने बोला 14 वर्ष का मेरा राज्य करने का संकल्प कहाँ जाएगा। तो बोला ठीक है माता, पिता ने यदि आपको वचन दिया है तो आप अभी तो मर रही हो मेरे तीर से, लेकिन आपकी हड्डी से खड़ाऊ बनाया जाएगा और इसी खड़ाऊ को रखा जाएगा सिंहासन पे, वही भगवान राम के खड़ाऊ को मस्तक पर रख करके कौन लेके आते हैं, भरत जी लेकर आते हैं और भरत जी सिंहासन पर रखते हैं, बाहर कुटिया बनाकर रहते हैं और खड़ाऊ शासन करता है। तो ये कथाएं होती हैं, वनवास जाना था क्योंकि सभी को मारना था और वहाँ उनका उद्धार भी करना था, लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग रहा, हर चीज का बहुत अच्छा तरीके से गाया गया। टीम के लिए एक जोरदार ताली, और मैं अब निवेदन करूंगा कि अब ये अपना क्या गीत लेकर आते हैं इनका सुना जाए, चंद्रबान निडर बहराइच के अपने सक्षम साथियों के साथ। चलिए मेरे कटपीस को जैसे गाया सब सही है, ये तो दादाजी की फरमाइश थी, हमने गा दिया था और भैया ने कहा था कि इसको दूसरे एंड में बोलना जरूर, का पब्लिक समझ ही नहीं पाई। अच्छा भाई, जो हमने कटपीस गाया था कि पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकन नीचा मेले दिखे, चिकन कमी ना देखा, चांद में छिटर हो के चीट किया तो सारे तारे बोले गीली गीली अख। कोई आप लोगों ने समझा था या नहीं समझा था? समझा था, बताओ। पूरी पब्लिक कह रही थी, हम समझ गए थे, अब आपके पल्ले नहीं पड़ा बहन जी तो हम क्या करें। फिर हमने जो है आपने हमको टोका कि तुमने तू लगा कर कह दिया कि तुम जो है तुमको भी लगाना आता हो तो तुम लगाओ। अभी हमारे राइटर चाय पी रहे थे तो आपने क्या कहा, तुम जरा पीछे हट जाओ ये तुम्हारी बात है, आपने कहा नहीं, मेरे राइटर को कहा आप चाय लेकर, तुम जो है चाय लेकर पीछे हट जाओ और जब आप चंद्रभान जी लिखेंगे, तुमने तू लगाकर बात, आपने तू लगाकर की बात की वो ठीक थी और मैंने तू लगाकर बात कर दी वो गलत है। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इनके राइटर दूसरों की बुराई जब किया कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। बिल्कुल बेटे, इनके राइटर को कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा गीत था, फिर उसको भी आपने टोका। हाँ, अजब गजब। हमने कहा कि गजब के दाग लला लहला ओ राजा अपनी जवानी में, गजब के दाग लगा लहलू और राजा अपनी जवानी में। हाँ। अब आपने कहा अजब का, अच्छा जब कोई जैसे कोई कार्य गलत कर देता है तो कहते का यार गजब का काम कर दिया यार बेकार, दो रूप में उसको लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दो रूप में लिया जाता है, बड़ा गजब कर दियो, एक होते का यार गजब कर दियो। हाँ। अपनी अपनी मानसिकता है, भ्रांति वाली शब्द थी, हमने भ्रांति वाली शब्द लगाया था उसमें। मेरे गीत में जो मेरा गीत लिखा गया उसमें पूरे भोजपुरी के शब्द लगे हैं, आपने पूरे गीत हिंदी में निपटा दिया। Okay. दूसरी चीज, हर जगह हरण हो रहा है फिर दाग लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी समझा रही साथ में, अब साथ में पत्नी भी समझा रही है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी जवाब आया स्वीकार है, ठीक है, दत्ता जी का जवाब है। Okay, उनको कोई कुछ कहेगा नहीं। बस ओढ़े है खाल आदमी, तो तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है और मुझे चोट खाने आदत पड़ी है। बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें
पड़ी है, मुझे चोट खाने की आदत पड़ी है, छिलक कर नमक मेरे घावों पर देखो, मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है। देखो तो बहुत अच्छा कट पीस दिया आपने। अरे दिल है के मानता नहीं, प्रेम का होता है कीर्तन। ले बेटे ले, पहली बार पैसा मिला तुमको इनके हाथ से। क्या दिल है के मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, ऐसे चलता है गाना। बहुत कुछ आपने बताया कि अर्जुन ने सागर में जो है बाणों की जो है पुल बना दिया, सीढ़ी लगा दी। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ऐसे ही बात जवाब में आ जाए तो जवाब। आपने कट पीस दिया था, देखा है राजा हरिश्चंद्र को भीख मांगते देखा है, बिकते देखा है, और जवाब देखिएगा। कि राजा नल को जंगल में में बेहद गम सहते देखा है, और भूनी मछली थी जल में, अरे भूनी मछली भी जल में, भूजी मछली जल को जा रही है, इधर मछली को भूज रहे हैं, वो मछली जल को जा रही है, ऐसा वक्त आ गया कि राजा नल को जंगल में बेहद गम सहते देखा है, भूनी मछली भी जल में राजा की पेट देखा है, ऐसा वक्त आया कि भूख के मारे तड़प रहे हैं और उस नदी से मछली निकाल रहे हैं, उस मछली के अंदर जो है कीली ठोक कर
अब उसको भूज रहे हैं, अब वो मछली भूजी मछली जल को जा रही है। ऐसा वक्त आ रहा है कि उनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है। बिल्कुल बेटे, बहुत बढ़िया। के राजा नल को जंगल में बेहद कम सहते देखा है, और भूनी मछली भी जल में राजा की बहते देखा है। और देखिए कि वक्त के हाथों मैंने भी महलों को ढलते देखा है। वक्त आता था बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों वक्त के हाथों मैंने भी महलों को ढहते देखा है। सीता के सन्मुख गायों को, सीता के सन्मुख गायों को मिथ्या कहते देखा है। एक बार राजा राम जो है, प्रभु श्री राम पिंड दान कर रहे थे। अब माता सीता ने जब गायों से पूछा तो गायों ने झूठा बोल दिया, पिंडदान नहीं किया है। तो कहना पड़ा ये फैसला वक्त का फैसला है, ये फैसला वक्त का फैसला है। वाह बेटे वाह। फौजी दादाजी जवाब देखिएगा, ये फैसला वक्त का फैसला है, किसका सिला किस किस को मिला है। वाह बेटे वाह। तो कितानी कर्ण को लोक लाज से जल में बहाते देखा है, कितानी कर्ण को लोक लाज से जल में बहते देखा है। माता कुंती ने कुंवारेपन में ही कुंती को जो है लाल मिल गया, कर्ण आ गए उसके गोदी में। लोक लाज के कारण कुंती ने जल में प्रवाह कर दिया कर्ण को। तो कहना पड़ा कि तानी कर्ण को लोक लाज से जल में बहते देखा है, और जौहर व्रत के खातिर पद्मावती को तहते देखा है। पद्मावती इसी कलयुग में फांसी पे चढ़ते देखा है, तो मैं भी कलयुग से लेकर के आया हूं कि व्रत के कारण, व्रत करने के लिए पद्मावती ने स्वयं अपने तन को चला लिया। हाँ बेटे, कि जौहर व्रत के खातिर पद्मावती को तहते देखा है, जौहर व्रत अरे तानी कर्ण को लोक लाज से जल में बहते देखा है। ये आपके कटपीस का जवाब रहा। और बहुत बढ़िया एक गीत लेकर के आई।